गुड मॉर्निंग माई ऑल यूट्यूब फ्रेंड्स, आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सॉरी, थोड़ा काम कर रही थी। आज मैं बनाऊंगी, कल तो बहुत कुछ खा लिया, चीज़ चाइनीज ये वो बहुत कुछ। आज है सिंपल खाना, ये टेंटला। हेलो, कुछ बोलता नहीं है, सलाम मजाक कर रही। आज बनाऊंगी ओ तो, ये तो बाबू को बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा। आप लोग सोच सकते हो इसका मतलब क्या हो सकता है, तो लेकिन लाया बाबू ही। गर्मी में खाने का ये अच्छा है सेहत के लिए, थोड़ा पेट ठंड रखता है, तो खाना सही है। लेकिन बाबू को भी बहुत पसंद है, बहुत पसंद ऐसा। यही बनाऊंगी थोड़ा अच्छा करके, चटकदार ऐसा। तो इसका पहले उसका सब करना पड़ेगा, कटिंग सेटिंग करना पड़ेगा, तो वो कर लेती हूँ फटाफट। बहुत लेट भी हो गया, फिर मुझे खाना भी है, फिर जाना भी है घूमने, तो वही जो भी हो कर लेती हूँ फटाफट। थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। कल मैं हेयर में वो इंदुलेखा ऑयल लगा रही थी, मैं नहीं लगाई थी, बाबू लगा के दिया था, बहुत बाल झड़ रहा था, तो वो सच में काम करता है, ऐसे हेयर फॉल कम होता है। ऐसा नहीं कि मैं आज लगाई या कल लगाई तुरंत, मतलब दो दिन तो लगता है, दो दिन में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि हेयर फॉल कितना हो रहा था पहले और अभी कितना हो रहा है। मुझे अगर पहले से लगाती तो अच्छा होता। गाँव गई उस टाइम से ही लगा, उस टाइम ने गांव से मम्मी ने दिया था, तो बोला ये लगा, तो ये लगा रही हूँ। थोड़ा नहीं, बहुत ही, मतलब 100% में 80% काम हुआ, ऐसा कम हो गया। पहले लगाती तो मेरा ऐसा नहीं होता, बाल एकदम पतला सा हो गया। बेटी का भी बहुत बाल झड़ रहा, उसको भी लगाना है, उसको टाइम नहीं मिलता ऐसा। रात को लगा के रख दूंगी तो सर्दी पकड़ लेता उसको भी, मुझे भी। चलो ज्यादा बक बक नहीं करते, काम कर लेते। हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। हाँ, 5 बज रहा है। गुड इवनिंग, मैं काम कर रही हूँ, बहुत बिजी हूँ। जिम से आई हूँ, बहुत जोर से भूख लगा, लेकिन क्या खाऊँ सोच नहीं पाई। मखाना लाया कि मखाना बना के खाऊंगी, किंतु ऐसा इतना ही, मतलब काम भी नहीं हुआ और टाइम भी नहीं है कि थोड़ा मखाना को बना के खाऊं। ऐसा मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, इतना बिजी हूँ मैं। शायद आप लोग सोचोगे क्या करते हैं, क्या काम है, कुछ नहीं है काम, लेकिन जो करता है उसे कोई मालूम है कि क्या काम रहता है। ऊपर से थोड़ा एक्स्ट्रा ये भी काम करती हूँ क्योंकि चाहे 2 पैसा आ जाए। हाउसवाइफ लोग अगर 2 पैसा कमाएंगे तो बहुत ही, मतलब बड़ी बात है, बहुत अच्छा भी लगता है, अपना कुछ खर्च भी कर सकते हैं अपने आप से। दूसरे के ऊपर पूरा डिपेंडिंग सही नहीं है मेरे ख्याल से। करो कुछ भी काम करो, बट करो, पूरा डिपेंडिंग हो जाओगे तो बहुत बुरा हाल। सबका सोच मेरे जैसे भी नहीं हो सकता, किसी किसी का और भी अलग अलग सोच हो सकता है, बट मेरे सोच ऐसा है, खुद जितना कर सकते हो करो अपने हिसाब से। तो जो भी हो, चलो जाने दो, बात बहुत बातें कर ली। वही अभी भूख भी लगा है, देखते क्या खाती हूँ,
केला है, केला खा लूँगी, एक केला खा लूँगी। और बहुत गर्मी भी लग रहा है, दो बिस्किट खा लूँगी। वही खा लूँगी, बहुत गर्मी है, गर्मी लग रहा है, धूप भी बहुत तेज आ चुका है। अभी तो थोड़ा नॉर्मल हो गया टेम्परेचर, दोपहर को बहुत ज़्यादा आई थी। मेरे फेस की बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, मैं तो कुछ किया नहीं, फेसियल वेसियल कुछ नहीं किया, मैं घर पे ही करती हूँ, जो भी हो रहा था स्क्रब वगैरह पैक ये सब। पूरा फेसियल पैक नहीं, मैं कुछ अलग करती हूँ। एक दिन मैं आप लोगों को मेरा स्किन का बताऊंगी, स्किन ट्रीटमेंट का रूटीन बताऊंगी, बताऊंगी तो बोली, बट कभी हो नहीं बता सकती। जैसा उस दिन उधर गई थी अपना मैक्सेस, आप लोगों को दिखाई थी वीडियो, आप लोग देखे होंगे। उस उधर से मास्क लिया था, क्यूकम्बर का फ्लेवर का दो लिया, कल बाबू एक लगाया, फेस में बहुत ही अच्छा ग्लो कर रहा था फेस। बेटी को भी लगाना है, लेकिन बेटी का कल टाइम नहीं हुआ, वो घूमने गई थी इसलिए टाइम नहीं हुआ, बाबू को टाइम था, बाबू को लगा दिया, बेटी को भी लगाना है। मैं ये लगाती नहीं क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि सूट करेगा कि नहीं करेगा ऐसा, इसलिए डर के मारे मैं नहीं लगाती, एक बार लगाऊंगी। पहले थोड़ा पैसा आ जाए जो काम कर रही हूँ उसका, क्योंकि अभी बहुत ही थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ, गांव से आने के बाद कुछ ना कुछ चालू है, इसके लिए थोड़ा हाथ में पैसा आ जाए फिर अपने ऊपर खर्च कर सकती। पहले फेसियल भी करती थी, हर महीने में फेसियल करती थी, अभी तो कुछ नहीं, टाइम भी नहीं मिलता, और जो जरूरत है वो भी थोड़ा दिक्कत चल रहा है। अभी बेटी को बोली कि फेसियल करने को, उसका मुंह में बहुत बड़ा बड़ा पिंपल आ गए थे, तो इसके लिए थोड़ा कम हो जाए, तो मैं बोली एक बार तो मंथ में एक बार फेसियल कर फ्रूट वाला। अभी वो उसका एज कम है तो अभी फ्रूट वाला फेसियल ही सही रहेगा, फिर भी एक बार पार्लर से कर लेंगे, कौन सा सही है क्या है मैं तो मेरे हिसाब से नहीं लेती, लेकिन फिर भी मुझे जितना पता है कि फ्रूट वाला है, मिक्स फ्रूट वाला ही अच्छा रहेगा, उसका एज कम है, तो उसको बोली करने के लिए। थोड़ा डेड स्किन भी निकल जाएगा, पिंपल का भी ये हो जाएगा, ब्लैक केप्स चला जाएगा। तो अच्छा, मैं कुछ ज़्यादा ही शायद बकबक कर रही हूँ, अभी मैं स्टॉप करती हूँ, आप लोग बोर हो जाएंगे मेरे बातें, ये क्या क्या लेके बैठ जाते हैं ऐसा, कुछ तो बातें हो रहा था और अभी स्किन का चली गई तो वही बातें बकबक बकबक कर रही हूँ, ऐसा आप लोगों को लगेगा, इसके लिए नहीं और ज़्यादा नहीं बकबक करती, फिर थोड़ी देर बाद मिलूँगी, तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और मेरे साथ रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके दोस्त लोगों को शेयर कीजिए, मेरा सब्सक्राइबर जितने बढ़ जाए बहुत अच्छा है। आप लोगों को दिल से मैं दुआ करूंगी कि मुझे मेरा सब्सक्राइब बढ़ जाए, आप लोगों के लिए जो भी हो रहा है आप लोगों के लिए ही हो रहा है, तो इसलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। मेरा फेस में ज़्यादा ही कुछ ग्लो कर रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ लगा ही नहीं, हाँ लगाई थी ना के फ्रेश होके ग्लिसरीन लगाई थी, मैं कुछ नहीं लगा सकती, मेरा मुंह में भी बहुत पिंपल आता है, मैं सिर्फ ग्लिसरीन लगाती हूँ। चलो बाद में मिलती हूँ। কালো করে দিয়েছে কেন, ওই তো তেলটা বেশি গরম হয়ে গেছে, এটা হয়ে গেছে কখন নাস্তে মে আর চিকেন পপকর্ন ইয়ে আর এটা মোমোস। এটা হয়ে গেছে বানগাই মোমোস, ও ভেজ নন ভেজ আর এ সরি ও ভেজ আর এ নন ভেজ, ইসমে ইসকো থোড়া জ্যাদা টাইম বয়েল করনা হ্যায় ইসলে তাইলে
ननवेज वाला नहीं बनाया। अरे चिकन पॉपकॉर्न जो है एकदम हो जाएगा कंप्लीट, तभी मैं लास्ट दिखाऊंगी बस। आज बेटी का नाश्ता, मनपसंद नाश्ता, जबरदस्त खाएगी, दिखाती हूँ रुक जाओ। देखो ये चिकन पॉपकॉर्न, इधर मोमोज, वेज नॉन वेज दोनों मोमोज। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाई थी, वो स्टार मार्केट गई थी, उधर मिलता है नॉन वेज आइटम, तो उधर से ही लेके आए थे। तो ये आज का नाश्ता। हाय फ्रेंड, मैं हर टाइम खाने के लिए जब बैठती हूँ तभी वीडियो करती हूँ। आप लोग ऐसे सोचोगे तो गुटिए देना, क्योंकि मुझे और फ्री टाइम नहीं मिलता कि मैं वीडियो करूं, इसलिए जो जो जब भी बनाती हूँ तब भी करती हूँ, अभी करती हूँ। अभी खाने के लिए बैठे, आज खाने को बहुत सारा है, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, इसमें है रोटी, और दोपहर को सब्जी जब बना रही थी तभी दिखाया आप लोगों को। इसमें है दही बेटी के लिए, इधर ऑमलेट, और इधर जिलापी, जिलापी गर्म, जलेबी, जलेबी जलेबी नहीं जिलापी, बट जलेबी बहुत मस्त है, कड़ा है, खाने में अच्छा लगे, रोटी के साथ भी अच्छा लगेगा। मैं खा रही हूँ इसलिए नहीं बोल पा रही हूँ। अरे इधर देखो मेरी बिट्टू, देखो और सुनो, देखो दोनों दोनों बातें कर रहे हैं इशारा से, तुम की खाबी आमा के खेते देवे ये सब। चलो आज बहुत सारा खाने का है इसलिए ज़्यादा बक बक नहीं करती, खा लेती हूँ, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।